नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, जिसका आपको बेसब्री का इंतजार था, वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं स्टेनों की जो स्किल आपके पास होती है और उसके बदौलत कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंचना चाहते हो, अपर निजी सचिव की वैकेंसी जो बोल सकते हो नोटिफिकेशन पूर्णतः जारी कर दिया गया है, फॉर्म फिलिंग चालू हो गया है। 328 पद पे ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें चौंकाने वाली बात बस ये है कि जो पिछली बार अभी तक पेपर होता था पारंपरिक तरीके से होता था, अब पेपर का जो प्रकृति हो गई है वो कैसी हो गई है, वस्तुनिष्ठ हो गई है। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चार विकल्प होंगे जिनमें से केवल एक विकल्प आपको सही होगा, उसी को आपका चुनाव करना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर पैटर्न को देखा जाए तो बहुत आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। कोई सिलेबस में बदलाव नहीं है, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं है। माइनर सा जो बदलाव है, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि पैटर्न और सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, अगर बदलाव ये हो सकता है तो ये पारंपरिक के जगह पे ऑब्जेक्टिव कर देंगे। और वही हुआ, मैं आपको हर बार बोलता था बच्चों अपनी तैयारी इसी तरीके से करो, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, 10% का चेंज आएगा। एक मेजर चेंज आया है वो आपके लिए है कि 50 नंबर का कंप्यूटर इंक्लूड कर दिया गया है। एक एक बात मैं आपको सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से बताऊंगा। इसमें टीम परीक्षा प्लस आपके पिछले 2 महीने से अपर निजी सचिव का बहुत ही बेहतर बैच चला रही है, सैकड़ों बच्चे उसमें जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स ही रहा है। क्योंकि ये पहले पारंपरिक तरीके से होने वाला था तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवा रहे थे, बट अब जब पारंपरिक नहीं है तो हम अपनी तैयारी उसी वस्तुनिष्ठ प्रकार से और आगे बढ़ाएंगे और विधिवत तैयारी करेंगे और विधिवत तरीके से हम लोग सिलेक्शन यहाँ पे करके दिखाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी डिटेल मैं आपको देता हूं। पैटर्न बदल गया है, मैंने आपको बता दिया, सब कुछ वस्तुनिष्ठ हो गया है। अर्हता, एज, एग्जाम डेट, किताबें क्या है, स्टेनो क्या है, तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, कितना आपको समय मिलेगा। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको स्टेनो नहीं आता है, बट मन में ये आ रहा है कि क्या मैं फॉर्म भर दूं, मैं वहां तक कर पाऊंगा, तो उनके लिए भी क्या एक सही सुझाव, एक सही गाइडेंस दिया जा सकता है मेरे द्वारा, वो मैं आपको दे रहा हूं। बट उससे पहले जो मेजर चीजें हैं वो आपको बता दूं। इसके लिए एक नया बैच हालांकि हम लोग जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, जल्दी क्या, लॉन्च कर दिए हैं ये आपकी, क्योंकि अब पारंपरिक हट गया है तो इसकी प्राइस भी तुरंत रिड्यूस कर दी गई है। नया बैच है कंप्लीटली 999 प्लस GST, कंप्यूटर पे इस पे एक्स्ट्रा लोड है बट उसका कोई भी आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। जो पुराने बच्चे हमसे जुड़े थे, करीबन 550 से ज्यादा की संख्या में हमसे बच्चे जुड़े हुए थे, उनको मैं सीधा बता दूं आपकी परेशान नहीं होना है, आपके में कंप्यूटर पहले इंक्लूडेड नहीं था, अब आपको कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई नया बच्चा जो अपनी तैयारी शुरू से करना चाहता है, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी और GS तीनों ही इंक्लूड किया जाएगा 999 प्रोसेस में, इसकी डिटेल मैं बाद में दे दूंगा। मेन है UPPCS APS का 328 पोस्ट, एज किससे 40 इसमें है, सारे पीसेस के पोस्ट में होता है। बाकी रिलैक्सेशन आपके OBC SC ST के लिए जैसे UP गवर्नमेंट देती है सिमिलरली वैसे रिलैक्सेशन होगा। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल ग्रेजुएशन है। इसमें तीन जगहों पे पद मुख्यतः निकले हुए हैं, एक आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, दूसरा आपका जो निकला हुआ है वो उत्तर प्रदेश सचिवालय में, और तीसरा जो आपका निकला हुआ है वो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में निकला हुआ है, वो भी लखनऊ में आपके निदेशालय में ही जॉब होगी। तो अल्टीमेटली आपके क्या होंगे, तीन सेगमेंट में, तीन आयामों पे है ये 328 पोस्ट। ग्रेजुएशन आपसे मांगा है, आपसे हिंदी स्टेनो चाह रहा है 80 वर्ड पर मिनट के लिए। टाइपिंग आपको चाहिए, टाइपिंग करना होगा कृतदेव और मंगल दोनों फॉन्ट। यहाँ पे मैं माइन्यूट डिटेलिंग आपको दे दे रहा हूँ कि जो फॉन्ट है वो दोनों ही होंगे टाइपिंग में। इवन इसमें भी जो आपको स्टेनो आप लोग लिखते हो उसको जो आपको टाइप करके कंप्यूटर पे दिखाना होता है उसमें भी आप मंगल और कृतदेव दोनों अलाउ है, और इसमें भी आपका मंगल और कृतदेव दोनों ही अलाउ है। तो मंगल भी अलाउ है और कृतदेव भी अलाउ है, दोनों ही फॉन्ट आपका क्या हो गया है, अलाउ कर दिया गया है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। दूसरी बात, जो अंग्रेजी स्टेनो वाले बच्चे हैं उन्हें उनके लिए थोड़ी सी निराशाजनक यह है कि यहाँ पे केवल हिंदी स्टेनो मांगा है। अंग्रेजी वालों के लिए जो राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद अंग्रेजी वालों को अधिमानी अर्हता देगा कि जिसे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी स्टेनो भी आता है उसको क्या मिलेगा, अधिमानी अर्हता दिया जाएगा। और कुछ अलाउंसेस पहले दिए जाते थे, हालांकि उसकी जिक्र अभी नहीं की गई है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में उन्होंने क्या बोला है, कंप्यूटर नॉलेज के तर्ज पे या तो आपके पास नीलेट से या डोएक से CCC के सर्टिफिकेट हो या उसके समकक्ष हो। इससे पहले हमने CCC के समकक्षता पे एक वीडियो बना दी है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो में लगा दी जाएगी ताकि आप उसके समकक्षता से अच्छे से देख पाओ।
हालांकि अगर मैं मोटा मोटा बता दूं, आपका कोई भी ग्रेजुएशन ऐसा किया हो जहां पे किसी एक सेमेस्टर में या किसी एक पूरे वर्ष अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है या फिर आप माध्यमिक परिषद में कहीं ऐसे कंप्यूटर पढ़े हो स्कूलिंग लेवल पे 12th में, तो आप सभी लोग ट्रिपल सी के समकक्ष हो और सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फॉर्म भरते समय। तो कंप्यूटर नॉलेज चाह है ट्रिपल सी या उसके समकक्ष, तो मैक्सिमम लोग किसी न किसी प्रकार से कंप्यूटर पढ़े होते हैं, उनके ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में या किसी तरह पास सर्टिफिकेट होता है, वो सारे लोग यहां पे क्या हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर अब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसमें अभी तक जो एग्जाम पैटर्न था वो जीएस का 100 क्वेश्चन था, हिंदी का 100 क्वेश्चन था, हिंदी पारंपरिक था और जीएस वस्तुनिष्ठ था, मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव था। अब इन्होंने पूरे ही पूरे पेपर को क्या कर दिया है, एमसीक्यू टाइप कर दिया है और ये 150 क्वेश्चन का पेपर कर दिए हैं, 150 नंबर का ही कर दिए हैं और ये 3R का कर दिए हैं, पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव 1/3 है। इसमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे, 50 क्वेश्चन जीएस जीए है, 50 क्वेश्चन हिंदी है, 50 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर है। बदलाव क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, जीएस जी में जीए में कोई भी टॉपिक का बदलाव नहीं है, बस बदलाव यह है पहले 10 टॉपिक थे, 10 मैं भी सारी चीज दिखा दे रहा हूं, 10 टॉपिक थे, 10ों में क्या थे, 10-10 नंबर के थे, अब वो 10 टॉपिक ही हैं लेकिन वो 50 नंबर के हैं। अभी तक जो एक पर्टिकुलर टॉपिक 10 क्वेश्चन का ही पूछा जाता था, अब कोई ऐसा कैप नहीं है कि एक टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाएगा, वो 50 क्वेश्चन ओवरऑल किसी भी टॉपिक से कम ज्यादा पूछ सकते हैं, फिर भी हम लेके चलेंगे ऑन एवरेज एक टॉपिक से पूछेंगे, तो 50 क्वेश्चन है, 10 टॉपिक है, एक टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो लगभग चार पांच क्वेश्चन आपके सारे सेगमेंट से बनेंगे। हो सकता है किसी टॉपिक से 5 की जगह 7 बन जाए, तो किसी से 5 की जगह 3 बन जाए, इतना ही चेंज आएगा। दूसरा है हिंदी, हिंदी अभी तक क्या था, पारंपरिक था, और पारंपरिक में 2 पोर्शन सबसे ज्यादा थे, एक तो आपका पत्रलेखन, दूसरा संक्षेपण और तीसरा कहीं ना कहीं हिंदी निबंध। ये जो 3 चीजें थी इसमें क्योंकि पारंपरिक तरीके से करना था, आपका ज्यादा एफर्ट मांग रहा था। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने निबंध को बिल्कुल हटा दिया है, साथ में ही संक्षेपण को बिल्कुल हटा दिया है, लेकिन पत्र लेखन को नहीं हटाया है। पत्र से अब ये प्रश्न जो होगा ये पारंपरिक नहीं पूछेंगे, ये एमसीक्यू बेस्ड पत्र से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा अक्सर आपसे पहले भी पूछता आया गया है या अधीनस्थ भी ऐसे कई प्रकार के पत्र से क्वेश्चन आपसे पूछता रहा है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहा है, यहाँ पे पारंपरिक तरीके का नहीं रहा है। दूसरी बात, इन्होंने हिंदी में एक एक्स्ट्रा टॉपिक और जोड़ा है, उस टॉपिक को इन्होंने बोला है ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ऐसा पहले समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता था, उसको इन्होंने इंक्लूड किया। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि जो क्या है पैटर्न पूरा आरओ हो गया है, बिल्कुल आरओ का पैटर्न नहीं हुआ है, आरओ से बहुत अलग है, आरओ के मान की तैयारी करेंगे तो तैयारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। 50 क्वेश्चन जो सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग होगा वो क्या है, कंप्यूटर। और क्योंकि आप एक चीज समझना, 3 घंटे का दिए हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 50 क्वेश्चन को 1 घंटे वहां पे खर्च करो, और यहाँ पे आयोग जो है वो आपका कौन सा यूपीपीएससी है, तो छोटे या आसान प्रश्न आप एकदम भूल जाना, वो अपने स्तर का आसान देगा। एक यूपीपीएससी का आसान प्रश्न मतलब यूपीएससी का कठिन प्रश्न, दोनों को समझिएगा, आयोग पे बात डिपेंड करती है। तो स्तर कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का ही रहने वाला है, ठीक है। अगर हम वनडे, क्योंकि पैटर्न वनडे टाइप का हो गया है तो वनडे के हिसाब से कठिन है, और अगर हम पीसीएस के स्तर पर देखेंगे तो उसकी स्तर से आसान आने वाला है। अब आप समझ पा रहे हो कि इसका स्तर क्या रहने वाला है, बाकी इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेज 1 है। स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 ये पहले आपका 1 दिन में पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपको करीबन आप अभी नोटिफिकेशन आया है 1 महीना आपका फॉर्म चलेगा, 3 महीना मिनिमम आपको गैप मिलेगा, मतलब कि जो आपका एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट जो हो सकती है वो आपकी जनवरी, एग्जाम डेट आपका जनवरी हो सकता है, अगर पहले भी हो जाए 1-2 सप्ताह मतलब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, या हो सकता है 1-2 सप्ताह आगे भी हो जाए, बट जनवरी आप मोस्ट एक्सपेक्टेड मान के चलोगे। उसके बाद कम से कम 3-4 महीना ये किसको देंगे, स्किल टेस्ट को देंगे जिसमें स्टेनो या टाइपिंग होगा, तो ये जो आपका जाएगा ये लगभग अप्रैल से मई में आपका स्किल टेस्ट जाएगा, और जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल है ये भी संभवतः साथ में ही करवा लें, अलग से ना करवाएं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 नंबर का है और 100 नंबर का आपका क्या है, 100 नंबर का स्टेनो है, तो 1 दिन में 150 नंबर का पेपर आपका ये होगा 3-4 महीने के गैप में, और 150 नंबर का 8-3 महीने के गैप में ये होगा। अल्टीमेटली टोटल जो स्टेनो में आपको समय मिलने वाला है वो हो सकता है 5-6 महीने, या अगर किसी कारण से 7-8 महीने भी मिल सकता है। अब यहां पे एक प्रश्न आता है, मैं भी आपको पैटर्न एक बार दिखा देता हूं, साथ में चर्चा भी करता रहता हूं, कि आपसे प्रश्न आता है कि ऐसे बच्चे जिनको स्टेनो नहीं आती है क्या वो फॉर्म अप्लाई कर दें। तो बच्चों मेरा बहुत
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन, ये जो मेरा आपको सजेशन रहेगा, देखो स्टेनो टाइपिंग नहीं है जो 3 महीने में आ जाए, स्टेनो सीखने के लिए मिनिमम 10 से 12 महीने चाहिए होते हैं, और आपको जो अभी मिनिमम समय मिलेगा वो आपको 6 से 7 महीने आज की डेट से मिलेगा। मतलब कि अगर आज से आप स्टेनो सीखना प्रारंभ कर दो, क्योंकि पारंपरिक नहीं है, पहले पारंपरिक था तब तो मेरा एकदम मना कर देना था कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, जो लॉजिकल था कि भाई आप निबंध पे प्रैक्टिस करोगे, आप पत्र लेखन पे प्रैक्टिस करोगे, आप संक्षेपण पे प्रैक्टिस करोगे, आप हिंदी के पारंपरिक पे प्रैक्टिस करोगे, तो शायद आपको ये स्टेनो सीखने का समय बिल्कुल ना मिले। किंतु अभी क्या है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है तो हो सकता है आप थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज कर लो। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो बच्चा 12 महीने में स्टेनो सीखता है उसे आप 8 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उससे कितनी, लगभग 4/3 उसकी इफिशियंसी होनी चाहिए। अगर इतनी इफिशियंसी आपकी है तो ये मान के चलो कि फिर आप क्या कर लोगे, आप इसमें फॉर्म आवेदन करने के दावेदार हो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो मेरा आपका प्रथम सुझाव है, फिर आपके लिए ये फॉर्म नहीं है। तो ये आप मुझसे ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हो कि मुझे इसका फॉर्म भरना चाहिए, मुझे नहीं भरना चाहिए। फॉर्म की फीस कोई ज़्यादा नहीं है, ₹160 फॉर्म की फीस है, भर सकते हो, तैयारी भी अपनी कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेनो के लिए पर्याप्त समय देना पड़ेगा, आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, दिन का 24 घंटे में 4 से 5 घंटे स्टेनो में लगाना पड़ेगा। अगर 4-5 घंटा अपनी पढ़ाई के साथ निकाल सकते हो देन मोस्ट वेलकम, ये वैकेंसी आपके लिए है। गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है, 4800 ग्रेड पे है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल है। आप निदेशालय में बैठोगे या सचिवालय में बैठोगे या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठोगे, तीनों ही जगह अपने आप में खुद में ही बहुत ही ज़्यादा गरिमापूर्ण है। तो ये बात आप खुद भी समझ सकते हो इस पद की जो गंभीरता है या इसकी जो वैल्यू है। अभी मैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहा था, तो परीक्षा योजना 150 अंक 3 घंटे, ये सारी मैंने बात बता दी है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, ये तो बता ही दिया कहां से आएंगे। देखो पहले मैंने बोला था कि इसमें जो आपका है सामान्य हिंदी 50 अंक, कंप्यूटर 50 अंक, और आपका GSB कितना 50 अंक आएगा, 150। प्रथम से 15 गुना बच्चे जो होंगे जो सफल होंगे वो द्वितीय चरण के लिए सम्मिलित होंगे, जो 3 से 4 महीने बाद आपका होगा। 75 का आपका आशुलिपिक यानी कि स्टेनो है 75 अंक का, 25 अंक का आपका कंप्यूटर टाइपिंग है, दोनों ही फॉन्ट में है। दोनों चरणों की परीक्षाओं में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो अब ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने ऐसा बोल दिया है तो तुरंत तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल है उसमें और भी समय मिल सकता है। बात समझ में आ रही? तो लगभग 1 साल का पूरा आपका ड्यूरेशन इस पेपर को ये लेके चल रहे हैं, जब स्किल टेस्ट किसी का भी होता है। दूसरी बात ये, पहले क्या था, पहले टाइपिंग में जितना आप ज़्यादा 25 वर्ड से ज़्यादा टाइप कर स्पीड देते जाओगे उतना ही आपका नंबर जुड़ता जाता था, वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। अब फ्लैट 25 अंक कर दिया गया है, मतलब आप टाइपिंग कर ले जाओगे तो 25 अंक, नहीं कर पाओगे तो आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे उत्तीर्ण ही नहीं रहोगे और आपका क्या हो जाएगा, आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। तो आपको या तो 25 या तो परीक्षा से बाहर, 2 ऑप्शन में चूज करना है, या तो 75 या तो परीक्षा से बाहर, इसमें कोई पार्शल मार्किंग नहीं है। तृतीय चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिकल है और कंप्यूटर प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है जो आपके इस कंप्यूटर में आने वाला है वही लगभग लगभग आपका सिलेबस है, कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो आपकी तैयारी जो यहाँ पे हो रही होगी पेपर 1 में वही पेपर 3 की तैयारी हो रही होगी, आपको अतिरिक्त तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ही केवल वो प्रैक्टिकल अप्रोच वहाँ पे करवाएंगे तो वो हम आपको बेहतर गाइडेंस दे देंगे क्लास में ही कि किस प्रकार से आपको थर्ड फेज में भी तैयार होते हुए चलना है। उसके लिए अभी से चिंता नहीं करनी, वो सारा काम हमारा है, हम आपको उसके लिए प्रिपेयर कर देंगे। दूसरी बात, पाठ्यक्रम एक बार देख लो, तो इन्होंने पहले भी 10 पॉइंट दिया था, अभी भी 10 पॉइंट था। पहले इन्होंने क्या था कि जैसे शब्द संक्षेप था जिसे एब्रीविएशन बोलते हैं, ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे यहाँ पे, 10 क्वेश्चन पहले के अनुसार यहाँ पे बोले थे कि प्रत्येक टॉपिक 10-10 होगा। अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने ये यहाँ पे ये हटा दिया है, मतलब वो कितना भी पूछ सकते हैं, फिर भी अगर 10 टॉपिक है 50 अंक है, ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन एक टॉपिक का होगा। इसे हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन, इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप फुल फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है, फुल फॉर्म बोल सकते हो। जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका कंप्यूटर में पूछ लिया कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, या कोई प्रशासनिक शब्दावली हो गई उसको शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में पूछ लिया, तो इस प्रकार से आपके क्या हैं, शब्द संक्षेप हो गया। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक स्टैटिक का पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको सिलेबस में, इन्होंने सामान्य ज्ञान लिखा है,
सामान्य अध्ययन नहीं लिखा है। जब सामान्य अध्ययन लिखते हैं तो उसे जनरल स्टडीज बोलते हैं, जब सामान्य ज्ञान लिखते हैं तो उसे जनरल नॉलेज बोलते हैं। तो आपका सिलेबस जीएस का नहीं है, आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज का है, जीके का है। ये आपको दिमाग में मैच्योरिटी लेके चलनी है। तो इतिहास में केवल प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, इनमें जो पारंपरिक विषय है, जैसे जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो हमारे पारंपरिक विषय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, उसके बाद पर्यावरण, हमारी फिर कृषि भी होती है, उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है, हमारा समसामयिक जो दृष्टि होते हैं, सारे हमारे परंपरागत तरीके से आते हैं, जो हमारे पारंपरिक सब्जेक्ट होते हैं जीएस में। बट यहां पे जब जनरल अवेयरनेस की बात किया है तो इन्होंने पारंपरिक विषय में केवल किसको उठाया है, इतिहास और राज व्यवस्था को कंप्लीट पूछा है। बाकी और वो भी जब आप इसे यूपीपीएससी के बाकी सिलेबस को देखते हो तो वहां पे क्या लिखता है, इतिहास में लिखता है कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। या क्या बोलता है मॉडर्न में आपसे क्या पूछता है, आपको क्रांति से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बट इसने क्या लिखा है, इतिहास प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, इसका मतलब आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, स्टैटिक टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। सो आपने दिमाग को थोड़ा सा मैच्योर करते हुए चलिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न होगा। दूसरा विज्ञान, विज्ञान यहाँ पे कंप्लीट पूछ सकता है। भूगोल में केवल उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित, मतलब विश्व का भूगोल नहीं पूछेगा, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की आर्थिकी, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ये सब नहीं पूछेगा, केवल क्या पूछेगा, उत्तर प्रदेश का भूगोल पूछेगा। मे भी जनगणना भूगोल की टॉपिक है तो स्टैटिक में यूपीपीएससी है, रख सकता है, उसके लिए हम पहले से नहीं बोल सकते। फिर भारत का संविधान, उसके बाद खेल जगत, फिर आपका महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारती, ये भी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, और वो भी भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण नगर की बात कर रहा है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब कि करंट हो गया, और बाकी आपका मैथ्स है, अरिथमेटिक, अंकगणित, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप, उसके बाद फिर आपका रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और आपका एवरेज चैप्टर आता है, 7-8 चैप्टर है, 8 इस तरीके आएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, 3 से 4 या हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछा जाए। सामान्य हिंदी में पहले 8 टॉपिक थे, 8 टॉपिक में निबंध भी इंक्लूडेड था, आपका पत्र लेखन भी इंक्लूडेड था, संक्षेपण भी इंक्लूडेड था। पत्र लेखन तो रहने दिए हैं, बाकी संक्षेपण निबंध को हटा के इन्होंने अंतिम में जोड़ दिए, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। कक्षा 10 स्तरीय का होगा, मतलब ये ट्रांसलेशन होगा, वो भी शब्दों का होगा, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि प्रशासनिक शब्दावली जैसे पहले पूछा जाता था समीक्षा अधिकारी में, उस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। बाकी सारे टॉपिक आपके सेम हैं, ये आपका समीक्षा अधिकारी के टॉपिक नहीं है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में अपठित गद्यांश नहीं पूछे जाते हैं, समीक्षा अधिकारी में हिंदी में जो पहला पेपर होता है पत्र लेखन नहीं पूछा जाता, मुहावरे लोकोक्तियां नहीं पूछा जाता, अनेकार्थी शब्द पूछा जाता है, और आपका वाक्य और शब्द शुद्धि पूछा जाता है, आपका पर्यायवाची तथा विलोम पूछा जाता है। ये टॉपिक आपका समीक्षा अधिकारी से मिलता है, बाकी कोई भी टॉपिक समीक्षा अधिकारी से नहीं मिलता है, मेन से भले मिल सकता है 1-2 टॉपिक। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो कंप्यूटर में आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग विंडोज सिस्टम, यहां पे विंडोज से प्रश्न पूछेगा, माय ऑफिस से प्रश्न पूछेगा, उसके बाद इंटरनेट से क्वेश्चन पूछेगा, फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन वगैरह से प्रश्न पूछेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कंप्यूटर में आपका पावर पॉइंट पीडीएफ भी डिफरेंट स्टाइल, बहुत बहुत कठिन सिलेबस भी नहीं है कंप्यूटर का, लेकिन क्योंकि आयोग है तो हो सकता है कि वो आपसे उसे पूछे गए प्रश्न की जो तीव्रता हो सकती है, इंटेंसिटी हो सकती है, या बोल सकते हो कि उसका जो लेवल हो सकता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो सकता है। बाकी आपका ये आसुलिपिक का, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट में टाइपिंग करनी है और 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 5 मिनट का दिया जाएगा, और लिपियंत्रण जो है ये आपको 60 मिनट में करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, ये तीसरा फेज है, ये उम्मीद है, और यहाँ पे कृतदेव और मंगल फॉन्ट दोनों के विकल्प दिया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। तो ये आपका पूरा परीक्षा पैटर्न रहा है, क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसी में आपको सब कुछ दिख जाएगा। हाँ, बस राजस्व परिषद ये बोला है कि जिनको अंग्रेजी आसुलिपिक भी आती होगी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में जो वैकेंसीज हैं उनको टिप्पणी में दिया, अंग्रेजी आसुलेखन तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, मतलब कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे इस कॉलम में इन्होंने जो ट्रिपल सी के समकक्ष हैं तमाम चीजें उसके बारे में जानकारी दिए हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, उससे देख लीजिएगा ताकि इसकी डिटेलिंग भी आपको पता चल जाए। अब आते हैं लास्ट में, हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको कहीं भी बहुत ज्यादा भटकना नहीं है,
टीम परीक्षा प्लस ऑलरेडी सैकड़ों बच्चों के साथ इससे पूर्व में ही बैच चला चुकी है, क्योंकि तब पारंपरिक प्रश्न पूछा जाना था, हमारा हाइब्रिड बैच चल रहा था, मतलब हम लाइव क्लासेस भी, हम क्विजेस प्रैक्टिस भी करा रहे थे और साथ में आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करा रहे थे। बट अब आंसर राइटिंग नहीं है तो आंसर राइटिंग को हम लोग यहीं पर ठप कर दे रहे हैं। हमें निबंध की अब जो पढ़ लिए, कहीं हमारा ज्ञान गया नहीं है, हमारे पास रखा हुआ है, क्योंकि हमें तैयारी पहले से करनी होती है तो हम सारे आयामों में सोच के उस तैयारी को करते हैं। अब रही बात कि अगर यहाँ पे पैटर्न बदल गया है तो हमें निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पत्र लेखन की प्रैक्टिस, हालांकि जो आपने पत्र लेखन की प्रैक्टिस किया है उससे आपका पत्र लेखन और भी बेहतर हो गया है, अब आपको ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपने मुहावरों की प्रैक्टिस किया है अब आपको मुहावरा यहाँ पर रटना नहीं पड़ेगा। जो आपने पर्यायवाची विलोम को लिख लिख के प्रैक्टिस की पिछले 2 महीने में वो आपको कंठस्थ हो गए होंगे, वो मेहनत आपको नहीं करनी। तो जो पुराने बच्चे थे उनको कहाँ पर मेहनत करनी है, उनको केवल कंप्यूटर में मेहनत करनी है, और आपको जो आपके कंप्यूटर का संभाग है आपके बैच में उसी प्राइस में लगा दिया जाएगा एक्स्ट्रा, कि आपको कोई भी समस्या ना हो, कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चल जाएंगे। ऐसे बच्चे जो नए हमसे जुड़ना चाहते हैं वो 999 प्लस जीएसटी मिनिमम प्राइस जो पॉसिबल हो सकता है तीनों विषयों के लिए, इसमें जीएसटी लगा के करेंगे तब भी आपको 1178 प्राइस जाएगा। इसमें सारी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे के सारे प्रिंटेबल जो नोट्स होंगे वो मिलेंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे, साथ में आपके डाउट सेशन स्ट्रेटजी और जो आपके जो क्विज टॉपिक वाइज क्विजेज हो सकते हैं वो हम आपको क्या कर देंगे, आपके इसी में दे देंगे। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में हम लोग जल्द ही आपके लिए लॉन्च करेंगे, जो मिनिमम पॉसिबल हो सकता है, ताकि जो पुराने बच्चे जिनकी तैयारी हो चुकी है कंप्यूटर का थोड़ा संभाग पढ़ के वो अपना क्या कर दें, अपना टेस्ट सीरीज भी लगाना चालू कर दें। तो अभी इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको बैच से जुड़ना है, एक बार मैं इतना बोलूंगा कि अपर निजी सचिव का टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन बैच शुरू से चला रही है, सैकड़ों बच्चों का विश्वास है, और मैं उन सारे बच्चों को आभार प्रकट करना चाहूँगा जो टीम परीक्षा प्लस में हमेशा की तरह एक बार पुनः अपना विश्वास जताए हैं, और उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल भी रही है, मुझे पता भी है, और आप लोग के फीडबैक से भी ये हमें पता चलता रहता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बताना मेरा कर्तव्य हो जाता है कि अगर आप, बहुत अच्छी जॉब है ये, 4800 ग्रेड पे है, गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है, और एक स्टेनो के लिए इससे बड़ा ड्रीम मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, तो आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए फोकस हो जाइए। आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, जो आपको नोट्स मिलना है, जो आपको क्लासेस मिलनी है, जो आपको क्विजेज मिलने हैं, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से आपको उपलब्ध कराएंगे। बाकी कोर्स के बारे में मैं एक लक्ष्य सेशन बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।